सेक्शन 51, यू विल सी द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ, विच सेक्शन डील्स विद द सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन्स, आंसर इज 51। पहला क्वेश्चन आपसे यहां से आएगा कि विच सेक्शन डील्स विद द सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स, तो प्लीज राइट डाउन P4 प्रीलिम्स ऑन द हेडिंग इटसेल्फ, हेडिंग पे लिखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। Whenever a person is arrested by a police officer, देखिए मैं जो हाईलाइट कर रखा है, प्लीज हाईलाइट योर ब्रेक लाइक दिस ओनली, काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है। Whenever a person is arrested by a police officer, या आगे आएगा देखो, whenever a person is arrested by a private person as well. तो दिस सेक्शन इज डीलिंग विद द अरेस्ट इधर बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय ए प्राइवेट पर्सन, ये ध्यान रखना आप लोग। मैं दोबारा ही पढ़ूंगा इसको, लेकिन ये फोकस एरियाज हैं। कौन से? इट मे बी द अरेस्ट ऑफ बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय ए प्राइवेट पर्सन। सेकेंडली यू विल सी हियर, देखो, अंडर ए वारंट, ओके, और विदाउट ए वारंट ऑल्सो, ठीक है। सो इन दिस सेक्शन 51, अरेस्ट मे बी बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय ए प्राइवेट पर्सन, इट मे बी अंडर ए वारंट और इट मे बी विदाउट वारंट, समझ आ रही बात यानी? तो तब जो है फिर क्या होगा, मैं पढ़ता हूं एक बार को, लेकिन इन एरियाज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, आप लोग विद और विदाउट वारंट बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय ए प्राइवेट पर्सन। कैसे? व्हेन एवर ए पर्सन इज अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर अंडर ए वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ द बेल, वारंट के अंतर्गत उसकी अरेस्ट हुई बट इट इज नॉट ए बेलेबल वारंट, इट इज नॉट ए बेलेबल वारंट अंडर सेक्शन 71, ठीक है। इट मीन्स ही विल हैव टू बी टेकन इन कस्टडी, उसको कस्टडी में लिया ही जाएगा, अरेस्ट करने के बाद उसको कस्टडी में लिया जाएगा, उसको बेल पर रिलीज नहीं किया जाएगा, बिकॉज द वारंट डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ द बेल, बात हो गई। या अंडर ए वारंट विच प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ द बेल, बेलेल वारंट तो है कि बेल ले लेना इसकी, बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है वो जमानत नहीं दे पा रहा, इट मींस अगेन सेकंड परिस्थिति में, सेकंड सर्कमस्टेंसेस में ही विल हैव टू बी टेकन इनटू कस्टडी, सही है। अगर ये बेलेल वारंट है तो अरेस्टेड व्यक्ति अपनी बेल दे नहीं पा रहा है, या फिर ये नॉन बेलेल वारंट है। आगे बात समझ में? द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर ए वारंट बट इट इज ईदर इट इज ए नॉन बेलेल वारंट और If it is a bail warrant, the person arrested cannot furnish bail. समझ में आ गई बात? बड़े आगे? Raise hand if you have understood this. Second, whenever a person is arrested without warrant, तो ये second situation हो गई। Third क्या हो गई? By a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail again. आगे समझ में बात सारी? So the person is arrested either by the police officer or by private person and he is not to be released on bail, he is to be taken into custody in any case, then kya hoga? The officer making the arrest, pata nahi isme maine koi, lekin iski heading par hi question aayega, kon kon search kar sakta hai, in sub points se question aayenge aapke isme waise, so kon kon si baat ko dhyan rakhenge aap log? Safe custody of goods received, female to be searched by the female, arrest may be under warrant or without warrant by a police officer or private person but bail not possible, ye sare key points ho gaye iske, ye bail not possible, so this is section 51 kar lenge ab. Now come to section 52, the officer making the arrest or when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested. So in any case, police officer may search such person, uski search kar sakta hai. When, ya to, if the police officer himself is arresting, then he can search. But if the private person is arresting, then private person will not take search. The private person will hand over him to the police officer, then that police officer, see this, the police officer to whom he makes over the person,
अरेस्टेड, हेडिंग से काम चलाइए बस, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे ये, हेडिंग से ही मोस्टली हेडिंग से काम चल जाता है। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, कौन सी पावर? पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। क्या? द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड मे टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन्स विच ही हैज अबाउट हिज पर्सन। अगर उसके पास से कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है तो उसको उससे वो ले सकता है। एंड शैल डिलीवर ऑल वेपन्स सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर बिफोर विच और हुम द ऑफिसर और पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय दिस कोर्ट टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड। जिस व्यक्ति के सामने उसको प्रोड्यूस करना है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है तो कोर्ट के सामने रखेगा, या किसी ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करना है उसको तो उस ऑफिसर के सामने वेपन्स को साथ दे देगा। बस, बहुत मुश्किल काम तो नहीं है इसमें कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है और उसके कब्जे से क्या मिल रहा है? ऑफेंसिव वेपन्स मिल रहे हैं, देन यू विल प्रोड्यूस, उससे लेकर के यू विल प्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट और द ऑफिसर कंसर्न। दिस इज द ओनली थिंग। कर लेंगे इसको ऐसे, देख लीजिए बस। सेक्शन 52 क्या डील कर रहे हैं? पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग अरेस्ट क्या करेगा? या तो कोर्ट को देंगे या ऑफिसर को। प्राइवेट पर्सन है तो ऑफिसर को दे देगा वो। प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है किसी व्यक्ति को तो किसको किसको सौंपेगा? पुलिस ऑफिसर को सौंपेगा, तो वेपन्स भी तो देगा ना साथ में। तो प्राइवेट पर्सन विल ऑफिसर एंड ऑफिसर विल हैंड ओवर टू कोर्ट। तो अल्टीमेटली वो जो वेपन्स हैं कोर्ट की कस्टडी में रखे जाएंगे। देखिए, द पुलिस ऑफिसर टू हूम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड ही मे सर्च सच पर्सन, वो उसकी सर्च ले सकता है। तो दिस वाज द राइट टू सर्च, इसकी हेडिंग देखिए क्या थी? सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। इसको आप अपनी बेरेक में लिख लीजिएगा, बाय द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, इन एनी केस सर्च इज टू बी मेड बाय द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, नहीं है? इवन इफ ही इज अरेस्टेड इनिशियली बाय द प्राइवेट पर्सन बट बिकॉज सब्सिक्वेंटली ही इज मेड ओवर टू द पुलिस ऑफिसर, सर्च विल बी मेड बाय द पुलिस ऑफिसर। ये ध्यान रखेंगे आप, और यहीं पर आपको एग्जामिनर साहब कंफ्यूज करेंगे, यहीं से क्वेश्चन भी आएगा आपके एग्जाम में। समझ रहे भाई? बड़े आगे। सो ही कैन सर्च, अगर सर्च करने के बाद में क्या होगा? वेरी सिंपल लॉजिकल। अब तो एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, जो भी उसके सर्च में होंगे, अदर देन नेसेसरी वियरिंग अपेरल फाउंड अपॉन, जो उसके पास जितने भी आर्टिकल्स पाए जाते हैं उनको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। केवल किसको छोड़ करके? जो उसके पहनने वाले कपड़े हैं उनको छोड़ करके बस। तो सब कुछ, उसके घड़ी है तो, और ये सब ले लिया जाता है सब। एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन ए रिसीप्ट शोइंग द आर्टिकल्स टेकन इन पजेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू सच पर्सन, जो उसके जितने भी आर्टिकल उससे लिए जाएंगे उसकी रिसीप्ट दे दी जाएगी कि भाई लो भाई ये तुमसे लिया गया। क्यों? जब वो जाएगा तो देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा आपने, सामान लेके जाता है अपना, फिर वो जो भी होता है, होता नहीं होता, तो उस तरीके जरूरी है। कई कई सेफ गार्ड्स हैं, रिसीप्ट होगी तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अरेस्टेड पर्सन ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो ये और था, ये नहीं मिला। सो इसको इस तरीके से देखिए आप। ये सेक्शन 51 इज डीलिंग विद व्हाट? सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। कौन कर रहे हैं? बाय द पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट और टू हूम पर्सन अरेस्टेड इज मेड ओवर बाय द प्राइवेट पर्सन। कर सर्च कौन कर रहा है? पुलिस ऑफिसर ही कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए अगले उसमें। व्हेन एवर इट इज नेसेसरी टू कॉज ए फीमेल टू बी सर्च, जब ऐसा लगे कि फीमेल की सर्च होनी है, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, किसी कोई अन्य महिला ही उसकी सर्च करेगी विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। तो ये आपको मैंने दिखा दिया, फीमेल टू बी सर्च बाय फीमेल। ओके, नेक्स्ट इट शुड बी, देखिए प्रैक्टिकल इसमें होता क्या है कि जो पुलिस, हर पुलिस स्टेशन में एक जगह है उसको बोलते हैं मालखाना, कि जो भी ऐसी चीजें जो उसके कब्जे से आपने देखा सर्च में मिली, तो ऑफेंसिव वेपन्स मिले, तो उसको कस्टडी में लेकर के वहां पे रखा जाता है। किसकी? कौन निगरानी कर रहा है? पुलिस ऑफिसर। बट एक्चुअली इट इज इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट। मालखाना इज डीम्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट।
वो कोर्ट की निगरानी में है बस वो सारा, वो कर लेंगे सब। तो दिस इज 51, 52, 50A, 51, 52।